तो गाइस स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं आपको नेसुस इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि उसे अपने काले लिनक्स में इंस्टॉल कैसे करें, और मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा इसके इंस्टॉलेशन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेसुस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है नेसुस AMD64 फाइल डाउनलोड। तो ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ AMD64 फाइल डाउनलोड। फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये पहली इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे इसको नेसुस को यही रहने देना है, और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिनक्स डीबियन AMD64 फाइंड कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। तो ये रही लिनक्स डीबियन AMD64, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये रहा, ये अब हमारा डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पर रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सूडो सू, फिर आपको अपना पासवर्ड दे देना है, और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं रूट यूज़र में। और इसके बाद आपको डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाना है, क्योंकि वहीं पे ही हमारी जो है वो फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD डाउनलोड्स, मैं सीधा चला जाता हूँ, आप चाहे तो CD डाउनलोड्स भी लिख सकते हैं। और फिर मैं टाइप करता हूँ LS, और यहाँ पर फिर हम वो वाली फ़ाइल ढूँढ लेते हैं जो हमने इंस्टॉल की थी नेसुस की। तो अगर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने का कमांड पता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अब हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है dpkg-i, और आपको वो वाली फ़ाइल का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और गाइज़ मैं वीडियो को ज़रा भी कट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई भी एरर आती है तो मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दूंगा उस एरर को। वैसे तो कोई एरर नहीं आएगी। और अभी इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है, अभी इतना डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन स्टार्ट नेसुस स्कैनर बाई टाइपिंग दिस। तो हम इसको यहाँ से स्लैश बिन से कॉपी कर लेंगे यहाँ तक पूरा, और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे इस वाली हम जो सर्विस है इसकी नेसुस d.service वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ से इस लिंक को ओपन कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, और यहाँ पे फिर हमें एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, इससे आपके कोई भी वायरस नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। तो इतना करने के बाद हमारा ये स्टार्ट होने लग जाएगा इनिशियलाइजिंग। तो प्लीज़ वेट वाइल नेसुस इज़ इनिशियलाइजिंग। तो अपग्रेडिंग डाटाबेस हो रहा है अब, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये देखिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर फॉर नेसुस एसेंशियल्स, आपको इस पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको फिर फर्स्ट नेम देना है, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देता हूँ। तो फर्स्ट नेम मैं इधर फर्स्ट ही रखता हूँ, और लास्ट नेम मैं इधर लास्ट ही रखता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आप चाहे तो अपना भी दे सकते हैं, फ़िलहाल मैं इधर जो है टेम्प्रेरी ईमेल का यूज़ लूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टेम्प मेल, और यहाँ पे आपको इनकी पहली वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें होता है कुछ ऐसा कि आपको ऑटोमेटिक एक ईमेल दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरी ईमेल जो है वो जनरेट हो रही है, तो इसे लोडिंग होने देते हैं थोड़ा। और अब हमारी ईमेल क्रिएट हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे,
तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम रख लेता हूँ फर्स्ट लास्ट 123। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है और पासवर्ड आपको याद करके रखने चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कहीं पे भी। और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे मैं डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए सेव पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे यह हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये कम से कम 2-3 मिनट लेगा या फिर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। सो फिलहाल मैंने इसे अभी फास्ट कर दिया और यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारा थोड़ा डाउनलोडिंग लेगा, जो भी इसको फाइल से ये ऑटोमेटिक अपना डाउनलोड कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और अब आप अपना स्कैन वगैरह वगैरह जो भी है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ऑल स्कैन्स का भी ऑप्शन मिलेगा, ट्रैश का भी ऑप्शन मिलेगा और सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, माई स्कैन पे क्रिएट अ न्यू स्कैन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़, आपको ये लोडिंग वाला एक बटन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे इसके प्लगइन्स जो है डाउनलोड्स हो रहे होंगे, ये देखिए कंपाइलिंग प्लगइन्स। तो आपको इसे होने देना है, जब तक ये हो जाएगा तब तक आपको वेट करना है, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो अभी ये हमारे 1% है, इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट के बीच इतना टाइम लेगा, तो आपको इसे डाउनलोड होने देना है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो में आज मैंने आपको बता दिया कि नेसुस का फुल इंस्टॉलेशन अपने काली लिनक्स में कैसे करें, और वो भी सबसे सिंपल मेथड में मैंने आपको बताया और ना ही कोई एरर आई। और अगर फिर भी आपके कोई एरर आती है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।